तो बच्चों अब करते हैं हम 30 क्वेश्चन, और बच्चों 30 भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे 29 था। तो ध्यान से देखिए अभी क्या दे रखा है। व्हाट प्राइस शुड इतना 6.25% ऑफ 100 शेयर बी कोटेड व्हेन द मनी इज वर्थ इतना। अब ध्यान से देखो बच्चों, रेट ऑफ डिविडेंड हमें गिवन है कितना 6.25%। आपको आपको फेस वैल्यू भी गिवन है कितना 100 रुपीज, और वर्थ 5%, मतलब जो परसेंटेज रिटर्न है ना उसको मैं वर्थ परसेंट भी बोलता हूँ, है ना। तो ये कितना है बच्चों, 5% गिवन है। सिंपल मैं परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला लगाता हूँ और मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो परसेंटेज रिटर्न इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो जो परसेंटेज रिटर्न था कितना था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5। इनकम कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर n इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 6.25 इंटू फेस वैल्यू है 100। इस 6.25 जो परसेंट है उसका 100 मैं नीचे लिख लेता हूँ, और ये वाला 100 मैं यहाँ लिख लिया। अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है n इंटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, व्हाट प्राइस शुड, मार्केट वैल्यू ही तो निकालनी है, व्हाट प्राइस शुड है ना, क्या किस प्राइस में मैंने वो बेचा होगा। तो मार्केट वैल्यू मुझे निकालनी है, काफी इजी है। एन से एन कैंसिल आउट कर देते हैं, 100 से 100 आप कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 5 इक्वल्स टू 6.25 इंटू 100 अपॉन मार्केट वैल्यू। अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये मैं इसको इधर ले जा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 625। तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 625 डिवाइडेड बाय 5, काटूंगा तो मार्केट वैल्यू आ जाने वाली है बच्चों मेरे पे 125 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू आ गई 125 रुपीज, और ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है ओवर।